लाल किला परिसर में मनाया गया श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। दुर्ग में भी बनेगा होलसेल कॉरिडोर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। दो दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और राजनांदगांव में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किला कई महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी रहा है और इसने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भी देखा है। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उस समय देश में धार्मिक कट्टरता की आंधी चल रही थी। अतीत में ऐसे लोग थे जो धर्म को दर्शन शास्त्र विज्ञान और स्वयं को जानने का साधन मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार किए। गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी, धर्म को दर्शन विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने देश की कई पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की गरिमा, सम्मान और आदर की रक्षा के वास्ते जीने मरने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी शक्तियां समाप्त हो गई, लेकिन भारत आज भी अमर है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में राजधानी रायपुर की तरह एक होलसेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा दुर्ग के जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में की। स्थानीय कारोबारियों ने मुख्यमंत्री से इस सुविधा की मांग की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग के निर्माण में यहाँ के उद्योगों की बड़ी भूमिका है। ये जिला सब्जी और फल उत्पादन का भी हब बन रहा है। यहाँ के किसान ऐसी फसलें उगा रहे हैं जिनकी मांग विदेशों में भी है। मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंच गए हैं। वे यहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। जगदलपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के जरिए जिले में किस तरह के काम कराए जा सकते हैं, वे इस पर चर्चा करेंगे। क्या डेवलपमेंट हम संस्कृति मंत्रालय से और कर सकते हैं, कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, तो ऐसे कुछ अनसंग हीरो
जिस क्षेत्र में हैं तो उस पर हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक, इनके माध्यम से और क्या काम इस जिले में हम कर सकेंगे उसका पूरा प्लान बनाएंगे। इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मेघवाल अपने प्रवास के दौरान भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। राजनांदगांव जिले में बीते रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खैरागढ़ निवासी सुभाष कोचर अपने परिवार के साथ बालोद से लौट रहे थे। रात 2 बजे के करीब राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग पर सिगारपुर के पास उनका वाहन एक पुलिया से टकराकर पलट गया। इसके साथ ही कार में आग लग गई। इस दुर्घटना में सुभाष कोचर, उनकी पत्नी कांति कोचर और 3 बेटियों भावना कोचर, वृद्धि कोचर और पूजा कोचर की मौत हो गई। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साले की शादी में समारोह में शामिल होने के लिए बालोद गया हुआ था और शादी संपन्न होने के पश्चात वह अपने परिवार सहित वापस लौट रहा था खैरागढ़। उसी दरमियान राजनांदगांव और खैरागढ़ के बीच में एक सिंगारभाट करके गांव है, वहां पर पुलिया से गाड़ी उनकी टकराई है और टकराने के बाद अनियंत्रित होकर के गाड़ी पीछे पलट गई उस बगल पे ही और उसमें आग लग गई। आग लगने के दौरान ही वो लोग वापस बाहर नहीं निकल पाए और उसी के साथ में उन भी पूरी बॉडी उनकी जल गई है। इस गंभीर सड़क हादसे की सूचना मिलने पर खैरागढ़, राजनांदगांव और बालोद में शोक की लहर फैल गई। वहीं इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर काफी नियंत्रित स्थिति पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,271 नमूनों की जांच के बाद 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश के 28 में से 26 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर केवल 11 रह गई है। प्रदेश के 20 जिलों में इस समय कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कल कोरोना के 2,451 नए मामले सामने आए हैं। अभी भी 14,241 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 187,26,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में 3,99,33,332 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के तौर पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दुर्ग में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुरमुदा, बेरला और नकपुरा में चल रहे ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का कल समापन हुआ। दुर्ग सांसद विजय बघेल भी इस मेले में पहुंचे। सांसद ने अपनी आंखों और रक्त का परीक्षण कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविर लगाने से गरीबों को फायदा पहुंचेगा। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़, बमनीडी और शक्ति ब्लॉक में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में आयुष्मान कार्ड और डिजिटल कार्ड भी बनाए गए। इस दौरान मरीजों की अलग अलग बीमारियों की जांच और दवा का निशुल्क वितरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में ऐसे ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर रहा है। एक सप्ताह की भीषण गर्मी के बाद मौसम ने रुख बदला है। कल रात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, मुंगेली और बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ जिलों में तेज आंधी और बिजली के साथ बारिश हुई। इसके चलते कई इलाकों में सुबह तक बिजली गुल थी। मौसम विभाग ने सर्वाधिक 17 मिलीमीटर बारिश राजनांदगांव में दर्ज की है। इसके अलावा रायपुर में 16 मिलीमीटर, दुर्ग में 11 मिलीमीटर, बिलासपुर में 6 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में उत्तर पश्चिम से गर्म हवा और दक्षिणी हिस्से में अपेक्षाकृत ठंडी दक्षिणी हवा का आगमन अब भी जारी है। इसकी वजह से आज भी एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है।
आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारियों की चटगांव के जलालाबाद पहाड़ियों में हुई ब्रिटिश सेना से लड़ाई के बारे में। चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा ली। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्य सेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृह नगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्य सेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृह नगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप हो गया। मास्टर दा के साथ अनंतलाल सिंह और गणेश घोष की टीम ने डामपारा में रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम और एक महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार ने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दी। चटगांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। युवा जुगांतर सदस्य लाल मोहन सेन के नेतृत्व में एक टीम ने नांगलकोट रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दी और ब्रिटिश सेना के लिए कहीं से भी मदद पहुँचने की उम्मीद खत्म कर दी। इसके बाद मास्टर दा और उनके साथी क्रांतिकारी रिजर्व पुलिस लाइन में एकत्र हुए और क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा करते हुए उन्होंने भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस प्रकार चटगांव ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया था, लेकिन केवल 4 दिन। जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने सड़क मार्ग से वहां अतिरिक्त सेना भेजी। भीषण लड़ाई में हरि गोपाल, विधु भट्टाचार्य, निर्मल लाला, नरेश राय और प्रभाष बाल जैसे कई क्रांतिकारी मारे गए। अंबिका चक्रवर्ती और विनोद बिहारी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जनरल लोकनाथ ने एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपने साथियों को ललकारा, तब तक गोलियां दागो जब तक मशीन गन बिल्कुल खामोश न हो जाए। पार्टी के बहादुर बेटों ने अंतिम सांस तक एक सम्मानजनक युद्ध लड़ा। क्रांतिकारियों की ये गाथा मशहूर शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में कुछ यूं बयां की गई। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल किला परिसर में मनाया गया श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। दुर्ग में भी बनेगा होलसेल कॉरिडोर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। दो दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और राजनांदगांव में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।